दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो हमारी आईज के नीचे जो है ये ब्लैक सा स्पॉट पड़े होते हैं। आप लोग देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक से हमारे आईज के नीचे स्पॉट होते हैं फोटो एडिटिंग में। तो आप लोगों को इसको कैसे हटाना है, तो यही बताएंगे आज आप लोगों को कि इसको हटाना कैसे। जैसे आप दिखा देता हूँ, मैंने इस वाली वीडियो में देखिए आप लोग देख सकते हैं हटा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रही फोटो और आप लोग इसमें देख सकते हो। तो ये काम हम लोग आज पिक्सआर्ट से करने वाले हैं और पिक्सआर्ट में ये सिर्फ एक क्लिक में ही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो देखनी पूरी, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को बीच में स्किप किया तो वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी एडिटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप लोग जाके चेकआउट कर भी सकते हो चैनल पर जाके। और अगर आप लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी न्यू पोस्ट लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस फोटो को जो है पहले आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन में चले जाना है और आप लोगों को अपना जो पिक्सआर्ट ऐप है, आप लोगों को ये अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे पिक्सआर्ट आप लोगों को ओपन हो जाने देना है और आप लोगों को यहाँ से फोटो इंपोर्ट करना तो आता ही होगा। आप लोगों को यहाँ पे जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाना है एडिट फोटो पे और यहाँ पे आप लोगों को अपनी वो पिक ले लेना है जिसमें आप लोगों को हटाना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो हमारी जो है आइस के नीचे काफ़ी ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं। तो इसको हम लोगों को गैप करना है, हाइड करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जाना है सिंपल रीटच में, रीटच में आप लोगों को क्लिक कर देना है और अब आप लोगों को देखना है सिर्फ एक क्लिक में ये हमारा हट जाएगा। तो अभी आप लोगों को जाना है ये आई बग में, आप लोगों को जाना है और यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। यहाँ देखिए गाइस, तो यहाँ पे ये बग हट चुका है, मतलब ब्लैक सा हट चुका है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे, यहाँ से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आप लोगों को चाहिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो ये गायब होगा और इसको हटाएंगे तो कम ज़्यादा होगा और इसको हटाएंगे तो बढ़ाएंगे तो गायब होगा। तो यहीं से आप लोगों को सिंपली करना है सिर्फ एक क्लिक में और यहां से हम लोगों को कर देना है इसको ओके। और यहां से अगर आप लोगों को लग रहा हो कि अभी हमारे में और है तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से आप लोगों को इसी में जाना है और आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको दोबारा से फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अगर आप लोगों को अप्लाई करना हो तो यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा रह गया है, तो अभी हम लोग फिर से पूरा खींच देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा फिर से पूरी तरीके से वो ब्लैक स्पॉट हट चुका है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे ओके और ओके करने के बाद अभी हम लोगों को जो है यहाँ पे हम लोगों का पूरा ब्लैक स्पॉट जा चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी। तो आप लोग देख सकते हो पहले हमारी काफ़ी ब्लैक थे, अब आप लोग खुद देख सकते हो। तो अब हमारे में देखिए गायब हो चुका है, देखिए पहले ऐसी थी तो हमारा गायब हो चुका है। तो सिंपली फ़ोटो अभी हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी कर लेना है हमको ओके और यहाँ से अभी आप लोगों को फ़ोटो सेव करना तो पता ही होगा, तो आप लोग फ़ोटो सेव कर लीजिएगा जाके, यहाँ से सिंपली आप लोग फ़ोटो को सेव कर सकते हो। तो क्या करना है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो है एडिटिंग से रिलेटेड मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इसका वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।